Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare ये पंखा बंद कर दो माइक से टकराती हवा देखी वैया तू तेरे सेवक हम मेरा स्वामी तू हम मेरा स्वामी तू Ah
अति दुस्तर भव सिंधु से एक तू ही तारण हार है। कैसे डूबे नाव वो जब हाथ तेरे पतवार है। कैसे डूबे नाव वो जब हाथ तेरे पतवार है। जो लगाएगा किनारा कौन है तेरे सिवा। झूठी दुनिया तेरे
जीवा झूठी दुनिया में हमारा कौन है तेरे सिवा झूठी दुनिया में हमारा कौन है तेरे सिवा भागवत कथा अंतर्गत आप लोग कल भागवत महात्म श्रवण कर रहे थे। ये कथा आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित से एक अपराध हो गया था, जिस अपराध के कारण से उनको मृत्यु दंड दिया गया। वो अपराध था एक संत की अवज्ञा, एक महापुरुष का तिरस्कार, परिणाम स्वरूप मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। अपराध क्यों किया महापुरुष का? वो इसलिए कलयुग ने इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। सिद्ध संत में दोष दिखाई दिया, इसलिए अवज्ञा हो गई। कहा कलयुग ने ऐसा क्यों किया, इनकी बुद्धि को भ्रमित? वो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति परधन पर स्त्री जुआ नशा इन चार अवगुणों का शिकारी है, उसकी बुद्धि को कलयुग भ्रमित कर देता है, उसकी आस्था समाप्त कर देता है भगवान अपने प्रति और संतों के प्रति, ग्रंथों के प्रति। ये चार अपराध जो करता है, पर स्त्री गमन, पर धन गमन, जुआ एवं शराब नशा, ये चार काम करने वालों की आस्था परमात्मा से हट जाती है, संत की अवज्ञा हो जाती है। क्योंकि ये चार काम में से कोई एक भी काम करता हो तो उसकी बुद्धि में आकर के कलयुग बैठता। एक बार राजा परीक्षित को का कलयुग से सामना हो गया, पहचान लिया कलयुग को, कलयुग को मारना चाहता था। कलयुग ने कहा कि मुझको मारो मत, क्यों? कलेर दोषे रिधे निधे राजनयोस्ति एको महान गुणा कीर्तनात देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। राजन भली मैं अवगुणों की खान हूं, मुझ में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन मुझ में एक महान गुण भी है, वो ये कि मेरे युग में अर्थात कलयुग में केवल नाम जप के द्वारा, हरि नाम जप के द्वारा व्यक्ति संसार बंधन को विच्छेद करके भगवान से संबंध जोड़ लेता, केवल नाम जप के द्वारा। जो व्यक्ति नाम जप करते हैं, पूर्व में चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो, उनके सब पाप नाम समाप्त कर देता है। लेकिन एक शर्त है नाम जप में कि अब तक हुआ सो हुआ पाप, आगे कोई पाप ना हो। इसलिए कहा राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर। पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा,
नाम जाप कर भूल के न पाप कर। जपते जपते सब काम करना सीखो, नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो, हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो, हर वक्त ना करो तो सुबह शाम करना सीखो, जीवन निहाल होगा पल में कमाल होगा, जीवन निहाल होगा पल में कमाल होगा, जीवन निहाल होगा पल में कमाल होगा, जीवन निहाल होगा पल में कमाल होगा। बस राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर। हारे वो जीत गए बाजी जो जिंदगी से हारे, वो क्यों उदास हो ताले नाम उसका प्यारे, वो क्यों उदास हो ताले नाम उसका प्यारे, तेरा उद्धार होगा तू भी तो पार होगा, तेरा उद्धार होगा तू भी तो पार होगा, तेरा उद्धार होगा तू भी तो पार होगा, पाप कर नाम नाम जाप कर भूल के न पाप कर। बार जप के देखो जन्म यूं ही खोए इस बार जप के देखो, हर बार पाप बोए इस बार बच के देखो, हर बार पाप बोए इस बार बच के देखो, कहे करुण दास साची अब आजमा के देखो, कहे करुण दास साची अब आजमा के देखो, कितनों ने आजमाया अब तू भी आजमा ले, कितनों ने आजमाया आजमाले, कितनों ने आजमाया अब तू भी आजमाले, कितनों ने आजमाया अब तू भी आजमाले। बस राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर, राम नाम जाप कर भूल के न पाप कर। का छीन करके उपभोग करने वाले का मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। रावण में यही दोष था, भक्ति तो बेचारा बहुत करता था, यज्ञ भी करता तपस्या भी करता था, लेकिन स्त्री में मन चला गया, पर स्त्री में सीता का हरण करके ले आया, और पर धन में मन चला गया, अपने भाई कुबेर का विमान छीन लिया। यही कारण था कि राम के हाथों मारा गया, और इसी का सगा भाई विभीषण। ये पवित्र आहार पवित्र विचार और पवित्र व्यवहार वाला था,
इसको भगवान ने अपनी शरण में लिया, इसको गले से लगाया। इसलिए हम भजन तो करें, ध्यान दे, भजन चिंतन सुमरण की तरफ, लेकिन इससे भी अधिक हमारा ध्यान रहे कि हम अपराध न करें, किसी की अवज्ञा न करें, किसी का तिरस्कार न करें। जो व्यक्ति अच्छे अच्छे कर्म करता है लेकिन भक्ति नहीं करता, वो भी फेल है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है भक्ति भी करता है, वो व्यक्ति भी फेल है। कई लोगों को कहना कि हम परोपकार करते, अच्छे काम करते, हमें भजन की क्या आवश्यकता है, इसका उत्तर सुन लो। आज के पढ़े लिखे भ्रमित नौजवानों का ये विचार है, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, यही भक्ति, अलग से भजन पूजा पाठ करने का क्या मतलब। लेकिन मैं उन जवानों को कहना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, परोपकार करो, अच्छी बात है, लेकिन भजन नहीं करोगे तो उद्धार नहीं होगा। पुण्यों का फल इतना ही होगा कि स्वर्ग चले जाओगे, यही संसार के सुख भोगोगे। वहां वहां कोई भगवत या सुख नहीं है, वहां भगवान नहीं, वहां यही स्वर्ग के सुख है। जो संसार में बस वहां थोड़ा ज्यादा सुख है, यही सुख संसारिक। तो पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग भी सदा के लिए नहीं। जब स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाएंगे भोगते भोगते, फिर वापस दुनिया में ही आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य लोके, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्य क्षीण होते ही वापस मृत्यु लोक में फिर आना पड़ेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो पुण्यों के प्रभाव से व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, लेकिन भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता, जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। इसलिए हमको पुण्य तो करना ही है, लेकिन पुण्य के साथ साथ भजन भी करना। ये जितने पुण्य है ये समझो लेटर के भीतर का मैटर है, और जो भजन है ये बाहर का एड्रेस है। हमने लेटर में तो बहुत अच्छा अच्छा मैटर लिखा, लेकिन बाहर हमने एड्रेस नहीं लिखा, बिना एड्रेस के पोस्ट कर दिया, परिणाम निकलेगा कि डाकिया आएगा, लेटर बॉक्स से पत्र निकालेगा, देखेगा कहीं कोई एड्रेस नहीं, उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल देगा, वो आगे नहीं जा पाएगा पत्र। भीतर क्या लिखा इससे क्या मतलब, बाहर एड्रेस ठीक होना चाहिए, डाक विभाग को चाहिए तुम्हारा ठीक एड्रेस, अंदर क्या लिखा तुम जानो तुम्हारा काम, लेकिन डाक विभाग को तो बाहर का साफ साफ एड्रेस चाहिए। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जितने भी शुभ कर्म है ये लेटर के भीतर का मैटर है, और भगवान का भजन ये बाहर का एड्रेस है। लेटर भले अधूरा लिखा हो लेकिन एड्रेस पूरा होना चाहिए, और पुण्य भले कम बने लेकिन भक्ति पूरी होनी चाहिए। नित्य नियम नित्य पूरा करो। आज सोच की हाजत हुई, अभी हुई है, तो आप सत्संग से उठ के भी लैट्रिन चले जाएंगे, है ना, क्योंकि अब का काम अभी करना है, कल पे नहीं छोड़ सकते। चलो सोच कल चले जाएंगे, आज रहन दो, अभी जाना पड़ेगा। भूख आज लगी, प्यास आज लगी, और सोचे कि चलो अभी फुर्सत नहीं है, चार पांच दिन के बाद फुर्सत मिलेगी, तभी इकट्ठा दो चार बाल्टी पी लेंगे पानी की, ऐसा कभी हो सकता है? जब प्यास लगी तभी पीना है, जब भूख लगी तभी खाना है, जब नींद आई तभी सोना है। तो सारे काम रात को हम सोते हैं, दिन में जागते हैं। तो हम लोग जो है अब हर काम अपना वक्त पे कर लेते हैं, लेकिन भजन की बात जब आती है इसको कल पे छोड़ देते हैं, कल देखेंगे बुढ़ापे में कर लेंगे। भजन को कल पे छोड़ देते हैं, सारे काम तू आज ही करता और भजन को छोड़े कल पे, कल जाने आए ना आए पत्थर पड़े अकल पे। क्या पता कल आएगी कि नहीं आएगी, अगर मर गए तो कल, अभी तूफान आ रहा है शाम को, तूफान में जा रहे हो तुम रोड पे, ऊपर से पेड़ गिर गया कुछ देर लगेगी, पेड़ भी ना गिरे अटैक हो जाए एक मिनट लगता, क्या पता चलता है, ब्रेन एम्ब्रेज हो जाए क्या पता चलता है। तो अपने भजन को, अपने सुधार को, अपने उद्धार को कल पे मत छोड़ो। जियो तो तुम 100 साल पार कर जाओ क्या पता चले, और मरो तो कल भी दिन ना देख पाए क्या पता चलता है। हम लोग मृत्यु लोक में रह रहे हैं, इसलिए मत सोचो कि हमारी आयु लंबी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी करना है भगवान का भजन। नाम जप करना है पापों से बच करके। अब देखिए कलयुग इसके सामने आ गया, कलयुग ने युक्ति भी बता दी कि मैं भले ही पापों का अवगुणों का खजाना हूं, लेकिन मेरे युग में केवल नाम जप करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है।
तो कलयुग को कहा राजा परीक्षित ने कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने परीक्षित से कहा कि मैं आपके राज्य से बाहर कैसे निकलूं, सारी धरती पे इस समय आपका ही राज्य है, मैं रहूं तो रहूं कहां रहूं, मेरे लिए कोई तो ठिकाना बताओ रहने का। तब ये चार जगह बताई, पहले कि पराई स्त्री में तुम्हारा निवास हो, जो पर स्त्री को काम की दृष्टि से देखता है, गंदी निगाहों से देखता है, उस व्यक्ति के हृदय में तुम जाकर के बस जाना, उसकी बुद्धि को कुंठित कर देना, उसको भ्रष्ट कर देना। ये एक जगह है, प्राय स्त्री में जिसका मन चलता है उसके हृदय में कलयुग तुम बैठ जाना। फिर दूसरा ठिकाना बताया, जो जुआ खेलता है उसके दिल में जाके बैठ जाना, उसको भी भगवान के लायक नहीं छोड़ना। तीसरा ठिकाना बताया, जो नशा करते हैं उनके अंतःकरण में भी कलयुग तुम जाके बैठ जाना। और जो हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं हिंसा वृत्ति से, ऐसे लोगों के भी अंतःकरण में तुम बैठ जाना। और पांचवा स्थान बताया, परधन कंचन, इसमें भी तुम्हारा निवास हो। वैसे कलयुग ये माया के पांच हथियार है, कौन कौन से? कंचन, कीर्ति, कामिनी, टीवी, टेलीफोन, माया के ये शस्त्र हैं, इनसे बचा है कौन? लोगों को, लोग जो बिजी हो रहे हैं, भजन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पांचों ने अपने आप में उलझा रखा। कौन सा? एक तो कंचन, पैसा, भजन नहीं करते, कहां लगे दिन रात, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, इसी में सारा समय खर्च हो रहा है। कंचन, कीर्ति, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, दुनिया मुझको जाने, इसी में सारा पैसा खर्च हो रहा है। कंचन, कामिनी, स्त्री मेरा विवाह हो जाए, मेरा घर बस जाए, काम नहीं आई, स्त्री आई, फिर मेरे बच्चे हो जाए, फिर बच्चे आए, फिर मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, फिर विवाह शादी मकान बनाना, बस पूरी जिंदगी इसी में लग गई, भजन कब करोगे? और इन तीनों से अगर समय बचा है, कंचन, कीर्ति, कामनी से, फिर टीवी क्या के बैठ जाओ, कभी समाचार सुन रहे, कभी सीरियल देख रहे, इसी में सारा समय खराब हो गया। अगर टीवी से भी समय बच गया है तो ये व्हाट्सएप नहीं छोड़ेगा तुमको, है ना, ये मोबाइल नहीं छोड़ेगा, ये समय तुम्हारा खाएगा। अब कहाँ कब करोगे भजन? जो कंचन, कीर्ति, कामिनी, टीवी, टेलीफोन, माया के ये शस्त्र है, इनसे बचा है कौन? इनसे कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के लिए समय निकालो, कल पे मत डालो, अभी भजन में अपने आप को लगा लो, नहीं तो यमराज के हवाले हो जाओगे। मानव हो बने तो, ये मैं नहीं कहता कि ये मत चलाओ, चलाओ काम भर के लिए, टीवी भी चलाओ, थोड़े बहुत समाचार भी सुन लो, क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसकी भी थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि समाज आज किस ओर जा रहा है, समाज में, देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। चलो 5-10 मिनट मेन मेन हेडिंग देख ली टीवी की, और टीवी देखना है तो धार्मिक कार्यक्रम आते हैं सिर्फ वो देखो, लेकिन हमारा कितना समय टीवी खराब करता है। इससे बचा तो फिर ये व्हाट्सअप, ये फेसबुक और क्या क्या, ये यूट्यूब, बस इसी में लगे हैं। कब करोगे भजन? आप तो माते बहुत बढ़िया है, ये कलयुग का हथियार जो मोबाइल है बाद में आया, अब तो तुम बुढ़िया हो गई, अब तो तुम्हारे बस का भी नहीं चलाना, अच्छा है निकल गई जिंदगी तुम्हारी बिना इसके, है ना, नहीं तो अब जो नई पीढ़ी आ रही है ना, बस इसी लायक रह गई है, ना माँ बाप को समय देना, ना परिवार को समय देना, बस उसी में टक 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 लगे हैं। माला जब करते हैं ना तो उंगली बाहर होती है झोली से, वो झोली से उंगली बाहर पता किस लिए होती है? मोबाइल के बटन दबाने के लिए, इससे लगे रहो। मैंने माला झोली हाथ में ले ली ना, तब भी ये माया तुमसे भजन करने नहीं देंगी, क्योंकि जो बाहर उंगली निकली ना माला झोली से बाहर, इसी उंगली को तुम्हारी ये माया पकड़ लेगी और कहेगी बस मोबाइल पे लग रहो, टक टक करते रहो, भजन करना मना है। तो माला झोली हाथ में लेकर भी भजन नहीं होने देगी माया।
इसलिए जितना हो सके इन अपराधों से बचो, भक्ति में लगो, सदग्रंथों का अध्ययन करो, समय है तुम्हारे पास, अपने परिवार को समय दो। जो टीवी को और टेलीफोन को दे रहे हो, ये समय अपने परिवार को दो, चर्चा करो घर में, काम धंधे की बात करो, हाल चाल पता करो, एक दूसरे के काम आओ, थोड़ा सोचो, वहीं लगे रहोगे, दिमाग को थोड़ा सोचने का समय दो अपने भविष्य के बारे में। जो इस मोबाइल पे लग रहा हो भविष्य के बारे में कभी कुछ नहीं सोच पाएगा, वो तो वर्तमान में ही मनोरंजन में लगा रहेगा, बस एक दूसरे को मैसेज और भविष्य के बारे में कुछ सोचना, अपने उद्धार के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, अपने समाज के बारे में सोचना, ये सब सोच उसकी डेड हो जाएगी। परिवार वाले भी दुखी हैं मोबाइल वालों से, हमसे बात ही नहीं करते, ड्यूटी से आते अपने कमरे में, अपना वहीं बैठ के भोजन मंगा लेते हैं, फिर टीवी देखते रहते हैं, जब सोने की बात आती है मोबाइल पे लग रहते हैं। घर वाले भी परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान, बच्चा, पहले तो कहते थे बहू ने दूर कर दिया, शादी के बाद दूरी बन गई हमसे बच्चे की, और अब तो कहते हैं मोबाइल आने से पत्नी से भी दूरी बन गई, माँ बाप के तो छोड़ो, है ना, जब से मोबाइल हाथ में आया। नहीं, सच कह रहा हूँ ना, हाँ कहे तो सच रहा हूँ, लेकिन मानेगा कोई मेरी बात नहीं, मरो फिर कुत्ते की मौत। इन अपराधों से बचो, ये माया है, ये पांच हथियार है माया के पास। पहले जमाने में तीन हथियार थे, कंचन कीर्ति कामनी, फिर चौथा हथियार माया के पास है, इसका नाम टीवी, जो भगवान से दूर करता है। फिर पांचवा हथियार आ गया ये मोबाइल, ये तो ऐसा प्रबल है, ये तो तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम तक चला जाता है, वहां भी तुमको जाए सोच स्नान भी ढंग से करने नहीं देगा। तो राजा परीक्षित ने पांच जगह दी है कलयुग के निवास के लिए। जो परिस्त्री की तरफ को दृष्टि डालता है उसके दिल में वास करो, जो जुआ खेलता है उसके दिल में वास करो, जो नशा करता है उसके दिल में वास करो, जो हिंसा करता है उसके दिल में वास करो, जो पराई वस्तु का हरण करता है, पराई वस्तु का उपयोग करता है उसकी बिना इच्छा के चोरी से, उसका भी तुम उसके दिल में भी वास करो। इस प्रकार पांच प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे लोगों के अंदर तुम बैठ के आनंद करो, खूब हुड़दंग मचाओ। कलयुग से कहा, बस कलयुग को मौका मिला, अब इन ये अवगुण जिन जिन में थे पांच अवगुण, बस उनके अंदर कलयुग बैठ गए और अपना काम प्रारंभ कर दिया। कलयुग का सबसे पहला काम है बुद्धि को ऐसा मलिन कर देगा कि संतों की जय बात पर विश्वास ही नहीं हो पाएगा। संतों की वाणी कितना भी सुन ले, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कलयुग ने उसकी बुद्धि को इतना मिटा दिया, क्योंकि कलयुग और संत ये परस्पर एक दूसरे के दुश्मन है। कलयुग और संत ये परस्पर एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि संत जब भी बोलेगा कलयुग से उल्टा बोलेगा। कलयुग पाप कराता है, संत पाप छुड़ाते हैं। कलयुग कहता है भजन मत करो, संत कहते हैं भजन करो। तो कलयुग से उल्टे संत, संत से उल्टा कलयुग, दोनों का परस्पर द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। कभी कलयुग जीत जाता है, कभी संत जीत जाते हैं, कभी कलयुग हार जाता है, कभी संत हार जाते हैं कलयुग से। लेकिन कलयुग उसी को पटकी मारता है जिनमें पांच अवगुण हो, जिसमें ये पांच अवगुण नहीं, कलयुग का बाप भी आ जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि ये पांच अवगुण नहीं है तो कलयुग ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर सुन लो, पांच अवगुण कौन से? पराई स्त्री, पर धन, जुआ, नशा और हिंसा। ये पांच अवगुण जिसमें नहीं है, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा व्यक्ति एक बार सत्संग सुने, इतने से ही उसका सुधार हो जाएगा, इतने से ही उसका उद्धार हो जाएगा। देखो, कपड़े को रंगना हो, अगर साफ सुथरा कपड़ा हो, 2 मिनट लगते हैं कपड़ा रंगने में, पानी में घोलो, रंग डुबा दो, हो गया काम, 5 मिनट में कपड़ा रंग जाएगा। लेकिन अगर कपड़ा मैला हो, गंदा हो, कुचैला हो, तो उसको रंगने के लिए हमको बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले उसकी होगी धुलाई,
धुलाई के बाद होगी रंगाई। लेकिन अगर कपड़ा पहले से साफ सुथरा है तो रंगने में क्या टाइम लगता है? टाइम तो धोने में लगता, धुलाई में लगता है। तो ये पांच अवगुण है, यही है मैल कपड़े की, मन रूपी चादर की मैल है। तो सत्संग रंग रंगता है, ये संत रंग रेज होते हैं, लेकिन जिसका कपड़ा मैला हो, आपको सबको पता मैले कपड़े पर रंग बढ़िया नहीं चढ़ता, उसके लिए साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें भी सफेद रंग हो कपड़े का तो सबसे बढ़िया, और कोई रंग चढ़ाना हो सफेद कपड़े पे बड़ा अच्छा रंग चढ़ता है, और काले कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता। अर्थात काले कर्म जो करता है, पाप करता है, ऐसे व्यक्ति पर सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। तो पापों से बच करके भजन करो, तब भजन पूरा रंग देगा, पूरा फल मिलेगा। और सत्संग का असर तभी होगा जब व्यक्ति इन पांच पापों से बचेगा। अगर पांच पाप करता रहा, पांच में से एक भी करता रहा, उसके लिए कहा अल्प पुण्यामताम राजन विश्वासो नैव जायते। उसको भगवान में, संतों में, भगवान के नाम में, भक्ति में, ग्रंथ में, सत्संग में विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए अपराधों से बचो। अब देखिए कलयुग को पांच ठिकाने दिए रहने के, और परीक्षित का कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि परीक्षित में पांचों अवगुण नहीं थे। पराई स्त्री पे दृष्टि को दृष्टि नहीं डालता, पर धन नहीं छीनता था, टैक्स भी उतनी लेता था जितना जायज हो, हिंसा नहीं करता था, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता था, जुआ नहीं खेलता था। कलयुग सोचता है कि इन पांचों में से, पापों में से एक भी पाप जिस दिन करेगा परीक्षित, उसी दिन मैं इसके भीतर आके बैठ जाऊंगा, फिर इसकी संतों के प्रति श्रद्धा खत्म कर दूंगा, सत्संग के प्रति आस्था खत्म कर दूंगा इसकी, अगर इन पांचों में से एक भी पाप ही कर दे। लेकिन राजा परीक्षित बड़े होशियार थे, वो कलयुग कहने लगे तो कुछ भी कर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पांच पाप तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता, सचमुच में तो क्या करूंगा पाप। मेरे लिए दुनिया की हर स्त्री माँ बहन बेटी के समान है, मेरे लिए परधन विष के तुल्य है, नशा मैं नहीं करता, जुआ मैं नहीं खेलूंगा, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा फिर? इन पांचों जगह तुम्हारा निवास है ना। लेकिन गलती से गलती हो गई, गलती से गलती होगी। एक अवगुण राजा परीक्षित में आ गया इन पांचों में से। कौन सा अवगुण आ गया? जरासंध का मुकुट। जरासंध के मारने के बाद भीम अर्जुन श्री कृष्ण इस मुकुट को मगध देश से हस्तिनापुर ले आए थे, राजकोष में जमा कर दिया। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया कि मेरे दादा परदादा पांचों पांडव मेरे लिए क्या छोड़ के खजाने में, जरा मैं देखूं तो सही। खजाना खोला गया, एक मुकुट मिला, धूल उसके ऊपर पड़ी थी, धूल से जड़ा तो चमचमाता मुकुट, क्या बात, कितना बढ़िया मुकुट है। उसको नहीं पता था कि ये परधन है, ये विजय का प्रतीक है, ये जरासंध का मुकुट है। उसको बहुत अच्छा लगा, उसने उसको उठाया, साफ करके सिर पे चढ़ा लिया अपने, बस कलयुग को मौका मिल गया। क्योंकि पांच अवगुणों में से एक भी जिसके अंदर है, उसको मैं संत और सत्संग से दूर कर देता हूं। अब इसने तो जरासंध का मुकुट यूज कर लिया, अब इसकी बुद्धि भ्रष्ट करूंगा। सुनो मेरी मातों कथा के लिए मनोरंजन या भागवत कथा कहने सुनने के लिए नहीं, ये हमको बहुत कुछ समझाती है। दूसरे के धन को छीनता हड़पता, दूसरे के धन को यूज करता है, उसको बहुत दुख उठाने पड़ते, आज नहीं तो कल। देखो सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के दो मुट्ठी चने खा लिए थे, प्रणाम क्या निकला? दाने दाने को तरस गया। और कब तक? जब तक ब्याज सहित वापिस नहीं किए। तीन मुट्ठी चावल वापिस किए जब द्वारिका के, जानते ना कथा, तो खाई थी दो मुट्ठी चने और दिए तीन मुट्ठी, माने ब्याज सहित दिया, फिर संपत्ति मिली उसको, नहीं तो दरिद्रता का दुख, नहीं तो द्वारिकाधीश जैसे, श्री कृष्ण जैसे जिसके मित्र हों, भगवान कोई कमी छोड़ेंगे क्या उसके पास? लेकिन तब भी दाने दाने को तरसा दिया, जब तक तू मेरा वापिस नहीं करेगा। और तुमने दो मुट्ठी मेरे हिस्से का खाया था चने, जब तक तू तीन मुट्ठी नहीं देगा ब्याज सहित, तब तक ये दरिद्रता तुम्हारा पीछा करती रहेगी।
पर अन्न पर धन की चोरी। उधार लिया उसका वापस दे देना चाहिए, समय पे देना चाहिए, देरी की हुई तो ब्याज सहित तो वापस करो अगर अपना भला चाहते हो तो, नहीं तो दरिद्र घर में अगला जन्म होगा। जिंदगी भर उस वस्तु के लिए तरसोगे जिस वस्तु को तुमने छीना है। श्री कृष्ण के हिस्से के चने खाए, खाने पीने की चीज दूसरे के हिस्से के मार ली तो खाने पीने की तंगी आ गई। अब देखिए राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट यूज कर लिया, दूसरे की संपत्ति प्रयोग कर ली। इतना करते ही कलयुग ने उसकी बुद्धि पर आक्रमण कर दिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, उसके अंदर जाके बैठ गया। क्योंकि पांच अवगुण में से एक भी अवगुण जिसके पास है उसके अंदर कलयुग निवास करता है। अब वो भजन चिंतन सुमिरन के लिए नहीं उसका भाव रहेगा, संत के पत्र नहीं रहेगा, ग्रंथ का पाठ नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा, अंदर से भगवान से टूट जाएगा। जो व्यक्ति इन पांचों में से एक भी अपराध करता है, अब देखिए इतने धार्मिक थे बचपन से, बल्कि गर्भ में जब ये थे अपनी माँ की, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मस्त्र का अनुसंधान किया कि भरत वंश का चिराग एक जल रहा है, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को तो मैंने छल से चोरी से मार दिया, पांचों पांडवों का खानदान का दीपक जलाने वाला भी है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है, इसको भी मार डालूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बालक को मारने के लिए। तब उत्तरा श्री कृष्ण की महिमा उसने पहले से जान रखी थी, भगवान को पुकारती है, प्रभु मेरे गर्भ में भरत वंश का चिराग जल रहा है, इसको बुझने से बचाओ। तब स्वयं श्री कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके अंगूठे के समान उसके गर्भ में प्रकट हो गए और उस बालक को बचा लिया। यही बालक राजा परीक्षित हुए, जिसको गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। भगवान ने अपनी 36 वर्ष की आयु देकर के उसको जीवित कर दिया था। तो यही राजा परीक्षित, जो इतने बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बड़े पुण्य किए, संतों को मानते, सेवा करते, सब काम करते, बड़े बड़े यज्ञ किए, इन्होंने बचपन से जन्म से ही धार्मिक थे, पांचों पांडव के पोते थे, धार्मिक थे, लेकिन कलयुग बुद्धि में आ गया। क्यों आ गया? पर धन को पर वस्तु का उपयोग कर लिया, और पर धन का जो उपयोग करते हैं उनके घर में कलयुग निवास करता है। तो उनके मन में कलयुग आ गया, और जो ही कलयुग आ गया, कलयुग आते ही अब तक जो उसने संतों से बातें सुनी थी सत्संग की, उन पे विश्वास खत्म हो गया। ये काम किसने किया? कलयुग ने किया। संतों को मानना बंद कर दिया, संतों को घर में बुलाना बंद कर दिया, ग्रंथों को का पठन पाठन बंद कर दिया, यज्ञ पूजा पाठ बंद कर दिया। बल्कि मन में विचार आया कि शिकार खेलता हूं, हिंसा वृत्ति आ गई कि राजा होकर भी मैंने कभी शिकार नहीं खेला, मैं शिकार खेलने जाता हूं। गंदे विचार मन में आ गए, मन में आया भी कि संत इसके लिए मना करते, अरे सब ढोंगी पाखंडी, कौन किसकी बात माने। ऐसा मन में ख्याल क्यों आ गया? क्योंकि अंदर बुद्धि में बैठ गया कलयुग। और क्यों कलयुग बैठ गया? उन पांच अवगुणों में एक अवगुण आ गया था, और जिसमें पांचों के पांच आ जाए उसकी क्या स्थिति होगी? वो तो राक्षसी होगा इंसान के रूप। शिकार खेलने गया, जानवरों को मारने लगा, कहां तो राजा परीक्षित जब चलते थे देखकर चलते कहीं पांव के नीचे चींटी ना आ जाए, इतने अच्छे धार्मिक थे। लेकिन कलयुग बुद्धि में बैठते क्या विचार आ गया? शिकार खेलने गया, निरीह प्राणियों का वध करने लगा, प्यास लगी, शमी के ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, लेकिन शमी के ऋषि को प्रणाम नहीं किया, बैठे ध्यान में उनको देख करके श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि कलयुग बुद्धि में बैठा था, अश्रद्धा हो गई, बुरे खोटे वचन कहे, कहा हमको पानी पिलाओ, प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन वो तो समाधि में बैठे श्री कृष्ण के चिंतन में मगन थे। गालियां लगा देने, मैं राजा स्वामी हूं तुम्हारा, तुम मेरी प्रजा हो, मेरे दास हो, और मेरा स्वागत नहीं किया तुमने, और ध्यान करने का ढोंग करने लगे हो, तो उन सिद्ध महापुरुषों को ढोंगी देखने लगा, और अंत में मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया, और इस प्रकार अपशब्द बोलता वापस आ गया। किसने बता दिया? शमिक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि को,
श्रृंगी ऋषि को लगा कि किसी राजा ने मेरे पिता का तिरस्कार किया, संत की अवज्ञा की है। उसी समय श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता की अवज्ञा की है, एक संत का तिरस्कार किया, जो मेरा श्राप है, तुमने तो मरा हुआ सर्प गले में डाला, लेकिन मेरा श्राप है, जिंदा सर्प तुम्हारे पास आएगा, तुमको डस लेगा। आज के सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मौत होगी, मेरा श्राप है। मिल गया श्राप। जब बाद में राजा परीक्षित को पता चला, अपने पुरोहित धौम्य ऋषि के पास गए, पूरी बात बताई, तब धौम्य ऋषि ने कहा, अपना भला चाहते हो तो सब कुछ छोड़ करके भक्ति करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, अब तुम राज्य को छोड़ो, अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक कर दो और स्वयं जाओ गंगा के किनारे संतों के पास, संतों के बीच में तुम्हारे प्राण छूटेंगे, उनसे भगवान की चर्चा सुनते हुए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो प्रेत योनि में भटकोगे। एक तुमने संत की अवज्ञा की, दूसरा सांप मरने से जिसकी मृत्यु हो उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है, उसके लिए अलग से सदगति करानी पड़ती है। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा कि प्रेत सर्प दंश से किसी की मृत्यु हो जाए उसका अग्नि संस्कार करना नहीं चाहिए, उसके सिर पे मोटा सा भारी पत्थर बांध करके चलते पाने में बहा देना चाहिए। सर्प से जिसकी मृत्यु हो जाए उसका अग्नि संस्कार नहीं करते, उसको जल समाधि देते कि तुम्हारी मृत्यु होगी सर्प के दंश से, तुमको तो अग्नि संस्कार भी नसीब नहीं होगा और प्रेत योनि में भटकोगे, इसलिए ये दुर्गति तुम्हारी ना हो, संतों के बीच में जाओ, क्योंकि संतों के बीच में किसी की मृत्यु हो ना वो प्रेत बनेगा ना यमदूत वहां आ सकते हैं। भजन बंदगी करने वाले संत जिन्होंने परमात्मा के नाम से अपना घर बार तक त्याग दिया, इतना परमात्मा से प्रेम किया, ऐसे संत अगर किसी मरने वाले के सामने खड़े हो तो चाहे मरने वाला पापी भी क्यों ना हो यमदूत उसको नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि संत की दृष्टि उस मरने वाले के ऊपर पड़ चुकी है। इसलिए जाओ संतों के बीच में जाके मरो, राजधानी छोड़ दो, नहीं तो दुर्गति होगी। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज तिल करके गंगा के किनारे चले गए, सब संत इकट्ठे हो गए, बताया महाराज इसकी मृत्यु नजदीक आ गई, इसको क्या करना चाहिए, मुझको श्राप लगा 7 दिन मुझको तक्षक नाग डसेगा उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब संतों ने कहा कि भाई 7 दिन तुम्हारे पास हैं, अगर तुम भागवत कथा सुनोगे तुम्हारा उद्धार हो सकता है, लेकिन भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव जी जैसे संत चाहिए, हमारे जैसे संत तो बहुत दिनों तक कथा सुनाएंगे तब किसी का उद्धार होगा, लेकिन सुखदेव जी जैसे संत तो केवल 7 दिन में ही उद्धार कर सकते हैं, उनमें पावर अधिक है, क्योंकि वो कथा पढ़ पढ़ के नहीं करते, वो कथा देख के अपने भीतर करते, समाधि में कथा करते हैं, उनकी कथा का जो असर होगा वो हमारे द्वारा सुनाई हुई कथा का नहीं। इसलिए सुखदेव जी आए वो कथा सुनाए तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी कहाँ रहते हैं जल्दी बताओ, दिन तो 7 बचे हैं, मैं वहीं जाकर के कथा सुनूंगा जहां भी सुखदेव जी हैं। तो संतों ने कहा कि सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं, कोई ठिकाना नहीं रहने का, वो तो विचरण करते रहते हैं, कहीं भी पेड़ के नीचे पड़ रहते हैं, आगे चले जाते हैं, एक रात जिस पेड़ के नीचे रुके अगली रात उस पेड़ के नीचे रुकते हैं, और गृहस्थ के यहाँ भी इतने देर तक ठहरते हैं, एक गाय के दूहने में जितना समय लगता है 5-7 मिनट बस, इससे अधिक किसी के द्वार पर नहीं रुकते हैं, भिक्षा करने जाते हैं द्वार पर खड़े हो जाते हैं, इतने समय में अगर जितने में दूध दोहा जाए एक गाय का, इतने समय तक अगर भिक्षा नहीं आई वो आगे चल देते, इतना भी कहीं रुकते नहीं। फिर कहा कि इतना भी कहीं रुकते नहीं तो मेरे यहाँ पर 7 दिन तक कैसे रुक कर कथा सुनाएंगे? कहते हैं ये कथा के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा में उनका ऐसा मन लग जाता है, फिर वो कहीं आते जाते नहीं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देते, ऐसी कृष्ण के कथा का रस का चस्का उनको लगा है, और हमको भी सबाने से कथा सुनने को मिल जाएगी। फिर कहा कि महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन आएंगे कैसे सुखदेव जी, आपने कोई ठिकाना नहीं बताया, कोई उनका एड्रेस पता, तो ऐसी स्थिति में
मैं कैसे उनको पुकारूं, कहां जाऊं, उनके पास कहां मिलेंगे। तो संतों ने कहा कि मिल सकते हैं, एक एड्रेस है उनका, क्या वह है? भगवत कृपा। यही एड्रेस है संतों का, भगवत कृपा हो तो संत मिल जाते हैं, और भगवत कृपा ना हो तो फिर संत प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान की कृपा की याचना करो, हे प्रभु कृपा करो हमको सुखदेव जी जैसे गुरु संत प्राप्त हो। तो भगवत कृपा जब तक नहीं होगी तब तक सुखदेव जी जैसे संतों का मिलन नहीं होगा। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए, संत प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करो मुझको सुखदेव जी जैसे गुरु से मिला दो, जो कथा सुन करके मैं अपना उद्धार कर लूं। हे तारण हार कृपा कर, हो हे तारण हार कृपा, फंसा पड़ा हूँ जग जंजाल में, हो जन्म मरण दुख माया जाल में, फंसा पड़ा हूँ जग जंजाल में, हो जन्म मरण दुख माया जाल में, भटका मन कलयुग की चाल में, हो कैसे राह मिले इस हाल में, भटका मन कलयुग की चाल में, ओ कैसे राह मिले इस हाल में, राह नहीं कोई सूझे चारों ओर अंधेरा, राह नहीं कोई सूझे चारों ओर अंधेरा, सतगुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा, सतगुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा, संत मिला दे ऐसा, संत मिला दे ऐसा जो तेरी राह चला दे, मेरे जीवन की नैया अब सागर पार लगा दे, मेरे जीवन की नैया अब सागर पार लगा दे, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। संत संग बिन भक्ति कोई लाख पड़े पोथी, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, ओ चाहे कोई लाख पड़े पोथी, गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, हो जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती, गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, ओ जीव आत्मा सोती, धर्म अर्थ नहीं काम न मांगू तुमसे मुक्ति, धर्म अर्थ नहीं काम न मांगू तुमसे मुक्ति, मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति, मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति, तेरे चरणों तक पहुँचाए, बता दे मेरे जीवन की नैया सागर पार लगा दे, मेरे जीवन की नैया सागर पार लगा दे, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय कृष्ण कन्हैया,
जय जय बंसी बजैया। हे तारण हार कृपा कर, हे तारण हार कृपा कर, मोहे सतगुरु से मिलवा दे मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया।